हाउ टू राइट अ पेपर। हम जैसे रिसर्च यानी कि लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते हैं, तो उसमें इनिशियल जो स्टेप है दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल वेदरिंग और मटेरियल एक्वायरिंग दैट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, से रिसर्च पेपर आइदर दैट बिलोंग टू जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेज ऑफ वेल रिप्यूटेड एंड दीज पेपर आर द लेटेस्ट। सेकेंड वन, वी रीड डिफरेंट ब्लॉग्स, रिसर्च आर्टिकल और एक्वायर आइडिया फ्रॉम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज और डिफरेंट ब्लॉग्स। दीज आर द डिफरेंट मीन्स वी कैन गैदर द लिटरेचर। When we make a literature review, after that we will be able to find out the research problem, and when we complete our research problem and acquire the answer of the problem or establish the technique that address the defined questions are defined problem, then we will be able to write a paper. Now today, initially we talk about why write a paper, when to write a paper, types of a paper, how to write a paper, where to send when write-up is completed, co-authorship, referring and some practical advice. This one is the agenda of today lecture. Now, first one, why do we write a paper? Initially, हमारे माइंड में ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये कि why do we write paper? जी अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली हैदर साहब, व्हाई वी जी जी राइट अ सर, पेपर? स्लाइड आपको नजर आ रही है? जी जी सर आ रही हैं। काइंडली रीड करें इसे। साइंस इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑन रिसर्च। जी फर्स्ट पॉइंट ऑफ A contribution only exists if and only if it's documented. जी एग्जैक्टली। अच्छा अब आप देखें कि साइंस इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑन रिसर्च, अ कंट्रीब्यूशन ओनली एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज डॉक्यूमेंटेड। अच्छा आप अक्सर देखते हैं कि सम टाइम आपके पास ब्रिलियंट आइडिया होता है, आप इवन दो उसको डेवलप या इम्प्लीमेंट भी किया होता है, लेकिन आप उसको जो है वो पब्लिश नहीं करते या डॉक्यूमेंट जो है वो आप नहीं करते, तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन क्लेम नहीं होगी। आपकी कंट्रीब्यूशन उसी वक्त जो है वो बेसिकली आप क्लेम कर सकते हैं व्हेन एवर यू डॉक्यूमेंटेड योर आइडिया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट और इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल या किसी भी शेप के अंदर में आप उसको डॉक्यूमेंटेड जो है वो करा लें, तो फिर ही आप उसको जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि ये आपका आइडिया था। लेकिन बार दफा आप सुनते हैं यूजली कि ये आइडिया तो मेरे माइंड में था जो इन्होंने जो है वो डेवलप कर लिया या मेरे दोस्त ने जो है वो प्रेजेंट कर दिया। तो एक्चुअली जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे आप उसको क्लेम जो है वो नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट पॉइंट की Eating the elephant in smaller piece. Focus on a specific contributions rather than the telling the whole story. जी अब आप देखेंगे मेन, जब भी आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना है तो उसमें आपने क्या करना है कि जो एलिफेंट है उसको आपने स्मॉल पीसेस में डिवाइड करके जो है वो डिशेस में जो है वो लाना है, और उसमें सबसे ज्यादा जो मेन आपने एम्फेसिस करना है दैट इज ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन रेदर देन टेलिंग द होल स्टोरी। ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 12 पेजेस का पेपर आपने राइटअप किया और उसमें ओनली 1 पेज जो है वो आपकी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन से रेलेवेंट है
और रेस्ट ऑफ द 11th पेपर जो है वो आपके रिलेटेड वर्क, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और जो कि आपकी कंट्रीब्यूशन से रेलेवेंस नहीं है चीजें, आपने उनको जो है वो डिस्कस जो है वो कर लिया। तो मेन जो आपके पास है आपकी कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर आपने फोकस जो है वो करना। जी नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑन इन योर सीवी एंड हेंस फॉर योर फ्यूचर एकेडमिक करियर। जी अब आप देखेंगे जब आप सीवी डेवलप करते हैं तो सीवी के अंदर आप जो मेन मेन आपके पॉइंट्स होते हैं आप वही मेंशन करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है और आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम किए हुए। जैसे आप सीवी अगर वन पेजर सीवी आपने लिखना है तो आप उसमें प्योरली जो जॉब्स की डिमांड है उसके मुताबिक आप जो है वो अपने अपनी कंट्रीब्यूशन शॉर्टलिस्ट करके वहां पर जो है वो मैग्निफाई करते हैं या हाईलाइट करते हैं कि ताकि जो जॉब सीकर हैं उनको जो है वो आई बर्ड व्यू के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाए कि आप जो है वो इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या कि नहीं है। तो सिमिलरली रिसर्च आर्टिकल में भी क्या है कि आप प्योरली फोकस करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। जी नेक्स्ट, द मेन फोकस फॉर योर पीयर टू गेट टू नो यू, द बेस्ट वे टू बी फोकस इज फ्रॉम योर वर्क। टू बी फेमस, बेस्ट वे टू बी फेमस इज फ्रॉम योर वर्क। वर्क एज अ वे इनटू इंटर्नशिप। अच्छा अब आप देखेंगे कि मेन जो चीजें हैं इस पूरी स्लाइड के अंदर जो मेन चीज हाईलाइट करने वाली है वो आपके पास जो है वो फोकस ऑन अ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नंबर वन व्हेन एवर यू राइट अ पेपर। एंड व्हाई यू राइट अ पेपर, एक्चुअली बेसिकली यू वांट टू क्लेम दैट कंट्रीब्यूशन एंड यू कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन ओनली व्हेन इफ यू डॉक्यूमेंटेड दैट वन। तो बेसिकली हम जो है वो कंट्रीब्यूशन को क्लेम करने के लिए पेपर जो है वो राइट अप जो है वो करते हैं आप। उसके अलावा अगर आप देखें खुद कि जब आप कहीं पर भी इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप देखें तो आप सीवी के अंदर जो है वो रिसर्च आर्टिकल मेंशन करते हैं कि ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली आपने कहीं पर एडमिशन लेना है, हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन क्लेम करते हैं कि आपको रिसर्च का आइडिया है और क्योंकि आप उसको जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा ये आर्टिकल जो है ये पब्लिश है या ये मेरी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली जो है वो आपको मोटिवेट करती हैं। और सेकेंडली आजकल हमारी जैसे कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इनक्रेज करते हैं इस चीज़ को कि आप रिसर्च आर्टिकल राइट जो है वो करें और पर्टिकुलरली जब बीएस लेवल पर आप जब अपना एफवाईपी कंप्लीट करते हैं तो जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि आप अपने एफवाईपी को रिसर्च पेपर में जो है वो कन्वर्ट करें, मीन आप अपनी कंट्रीब्यूशन को क्लेम कर सकें। सेकेंडली एज अ एमएस स्टूडेंट जो है वो जब आप अपना थीसिस करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं तो उसको भी बेसिकली जो है वो रिसर्च वर्क को जस्टिफाई करने के लिए रिसर्च आर्टिकल जो है वो कंपलसरी होता है। सिमिलरली आप जब डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं तो वहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके रिसर्च आर्टिकल जो है वो कुछ पब्लिश हो जाए। और इवन दो सम टाइम कोर्स वर्क के अंदर भी जो है वो जैसा कि रिसर्च मेथडोलॉजी में जो है वो आपको इंकरेज किया जाता है और कंपल्सरी होता है कि आप रिसर्च आर्टिकल जो है वो लिखें। तो इन शॉर्ट आपकी ये बेसिकली जो है वो डिग्री रिक्वायरमेंट भी होती है और प्लस आप जो है वो अपना जो वर्क है उसको अपने नाम के साथ क्लेम करने के लिए, अपनी कंट्रीब्यूशन को अपने साथ अटैच करने के लिए आप रिसर्च आर्टिकल जो है वो लिखते हैं। तो एक्चुअली these are the main points that encourage us to write a paper. ये किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो पूछ लो।
नो सर, क्लियर है. क्लियर है सर, वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हेन टू राइट अ पेपर. अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ऐसे ही माइंड में आया कि मुझे रिसर्च आर्टिकल लिख देना चाहिए, तो आप जो है वो रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए बैठ जाए, या मैं आपसे कहूँ कि कल मुझे आप रिसर्च आर्टिकल जो है वो लिख कर देने, तो आप लिख कर ले आएंगे, ऐसा नहीं. तो आप में से कौन बताएगा कि कब आर्टिकल जो है वो लिखना चाहिए? सर, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो प्रीवियस आपने पढ़े होते हैं रिसर्च आर्टिकल, उसने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की थी, उसका क्या सलूशन निकाला है और फ्यूचर वर्क उस पे क्या हो सकता है. जी चलिए, वेरी गुड. अच्छा अली अदर साहब, आपने माशाल्लाह काफी वक्त जो है वो हमें दिया. जी अजहर अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. अच्छा अजहर अली साहब, स्लाइड नजर आ रही है, व्हेन टू राइट अ पेपर? जी सर, आ रही है नजर. जी चलिए, बताएं जी काइंडली. जी सर, व्हेन यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर विद अदर्स. जी एक्जेक्टली, न्यू आईडिया. जी सर, जी ठीक हो गया. न्यू आईडिया, new idea, new data and intelligent review of existing work. जी, अब आप देखें कि actually अगर हम देखें तो वैसे तो initially जैसे मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि whenever आपके mind में आता है कि research article लिख देना चाहिए या requirement है तो आप उसको लिखने के लिए बैठ जाएं या एक race में लग जाएं. Actually when you have a new idea, new data or an intelligent review of the existing work. So, basically, whenever you want to make a significant contribution within the society or in the field of computer science, then you want to share your data with other researchers for the sake of contribution or for the sake of appreciation or for the benefits of the other researcher. Then you write a paper. तो ये मेन जो है वो आपके पास मोटिवेशन है बिहाइंड के आपके, यानी कि कब जो है वो पेपर राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट जी. जी, मैच्योर रिजल्ट्स, रिसर्च माइलस्टोन कंप्लीटेड, कैन आर्टिकुलेट द रिजल्ट्स, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन. एक्चुअली जी, जब भी आप इवन दो एमएस का काम करते हैं, पीएचडी लेवल का काम करते हैं, या इवन दो एफआईपी आपने कंप्लीट किया है, तो उसमें क्या है, आपका जो रिसर्च माइलस्टोन अगर कंप्लीट हो जाते हैं, आपके रिजल्ट मैच्योर हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, उस प्रॉब्लम स्टेट को एड्रेस करने के लिए आपका सॉल्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, देन यू विल बी एबल टू राइट अ पेपर. मैं हमेशा यानी कि इस चीज का यानी कि एम्फेसिस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर. कि एक्चुअली आप पहले अपने काम को जो है वो एवेल्यूएट करो कि आपका वर्क जो है रिसर्च वर्क किस लेवल का है, कि क्या वो किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने के काबिल है, किसी जर्नल में पब्लिश करने के काबिल है, या कि वो किसी एक लिहाज से लोकल कैटेगरी मीन के जस्ट जो है वो उसमें हम अपना फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी लेवल का जो जर्नल है वहां पर हम उसको जो है वो पब्लिश कर दें. तो एक्चुअली आपका जो पब्लिकेशन का क्राइटेरिया है वो बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका सॉल्यूशन क्या है और आपके रिजल्ट कितने मैच्योर हैं. ये सारी चीजें एक्चुअली डिपेंड कर रही होती हैं कि वेयर यू वांट टू पब्लिश योर पेपर. लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बना होता है कि हम इसको जर्नल के अंदर ही पब्लिश करें, जर्नल के अंदर पब्लिश करें. हालांकि ऐसा नहीं होता, आप बेसिकली जो है वो वर्थ देखते हैं अपने काम की और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि आपने इसको कहाँ पर जो है वो पब्लिश करना है. जी, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है किसी के माइंड में तो काइंडली यू मे आस्क. यस सर. जी जी मैम, जैसे सर अल्हम्दुलिल्लाह. सर, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो पेपर है वो इस लेवल का, कि हमें जर्नल में जाना चाहिए या
कहाँ जाना, क्या करना चाहिए जी, वेरी हमें इस चीज का कैसे पता चलेगा जी? जी वेरी गुड, ये आगे मैंने स्लाइड में डाला हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा। मैं चलिए आंसर कर देता हूँ। हाँ, उसमें यही है बेसिकली कि जब आपका सुपरवाइजर जो होता है या जो आपके एक लिहाज से टीचर होता है सीनियर, वो जज कर लेता है आपके काम को, आप उसके एक्सपीरियंस को जो है वो एक्चुअली उसके एक्सपीरियंस से जो है ये डिसीजन करते हैं, क्योंकि वही आपको जो है वो डायरेक्शन देता है। इसलिए इनकरेज किया जाता है कि आप अपने साथ अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर को जो है वो या किसी सीनियर जो है वो मेंबर को एज अ कोऑथर रखते हैं और अपना पेपर उससे रिव्यू कराते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं कि वर्क किस लेवल का है, नंबर वन। नंबर टू जो है, आप अगर आपको नहीं अंदाजा, आपने जर्नल में फॉर एग्जाम्पल भेज दिया तो फर्स्ट रिव्यू के अंदर ही आपको एडिटर जो है वो बता देता है कि ये आपका काम इस लेवल का है कि इसको फर्दर प्रोसीड किया जाए या कि नहीं किया जाए। तो लेकिन यही है कि आपका सुपरवाइजर या आपका टीचर या सीनियर जो पर्सन है वो आपको गाइड कर देते हैं और आपको जो है वो ट्रू पिक्चर उसकी जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आइदर ये जो वर्क है इसकी वर्थ जो है वो है। सर एक और क्वेश्चन है इसी आपके इसी इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है मेरा कि जो सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर होती है, सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर उसके क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि हमें अगर इस तरह का काम करना है तो किस तरह का सुपरवाइजर को सिलेक्ट करना चाहिए अपने लिए? जी जी बच्चे, असल में कोई भी जैसे कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में सुपरवाइजर जो अपना सिलेक्ट करना है तो हम यूनिवर्सिटी वाले जो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो रोड मैप मैंने जो वो डेवलप किया है उसमें ये है कि आप लोगों के पास जो है वो डिटेल आ जाती है, जितने भी डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी के अंदर हैं उनकी प्रोफाइल, मीन कि उनका रिसर्च एरिया कौन कौन सा है और उनके रिसर्च इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, आप उनकी प्रोफाइल देखते हैं और उनके साथ आप मीटिंग जो है वो कंडक्ट करते हैं। आप अगर आपके पास अपना कोई आइडिया है तो उनसे शेयर करते हैं, नहीं तो आप उनसे कहते हैं कि अगर उनके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम है तो वो आपको जो है वो शेयर कर दें आपके साथ। तो जब आप 3 या 4 मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो देन आप जो है वो फिर 3 प्रेफरेंसेस देते हैं कि आप किस सुपरवाइजर के साथ जो है वो अपनी रिसर्च वर्क जो है वो करना चाह रहे हैं या थीसिस करना चाह रहे हैं, और बेस्ड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर आपको सुपरवाइजर जो है वो असाइन हो जाता है। तो इसमें बच्चे मीटिंग करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स सुपरवाइजर के साथ टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं और जिसको वो बेसिकली देखता है कि जिस डोमेन के अंदर वो काम करना चाह रहे हैं तो जो सुपरवाइजर है उसकी एक्सपर्टीज है या कि नहीं है, उसके बाद ही आप सुपरवाइजर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सुपरवाइजर को डोमेन नॉलेज जो है वो होना लाजमी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है। राइट सर जी, एनीवन किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं? नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ पेपर। अच्छा, अगर सेशन एंड हो गया तो सिमिलरली मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर जो है वो न्यू सेशन की आईडीज वगैरह शेयर कर दूंगा, वो 45 के ऊपर हमने जो है वो स्टार्ट करना होगा। अच्छा, हाउ टू राइट अ पेपर। शिजा अभी 20 जो है वो पार्टिसिपेंट है तो आप काइंडली स्क्रीन शॉट जो है वो ले लें। ठीक है।
अच्छा था सहबा, कैसे हैं आप? ठीक है। जी सर, अल्लाह का शुक्र। जी बच्चे, स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी जी जी। हाउ टू राइट अ पेपर, स्टार्ट करेंगे कहेंगे। हाउ टू राइट अ पेपर, फाइंड अ कंट्रीब्यूशन, आउटलाइन रिलेटेड वर्क, आइडेंटिफाई एंड एंगेज co-authors, identify the readers, target outlet, ensure validity, ensure quality, write good English, prove, read, submit and revise. जी, next है, this one is a very important slide, how to write a paper. Find the contribution, जो main चीज है, जो जब भी reviewer आपका article review करता है, तो main जो चीज जिसके ऊपर वो emphasis करता है, Reviewer initially focus to determine your contribution or your novelty. Based upon that, you want to claim that research paper. जब अगर आपकी contribution नहीं है, तो आपका research article जो है वो accept नहीं होगा. Next, outline the related work. Related work, literature review, existing work. ये थ्री डिफरेंट है वो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, रिलेटेड वर्क, एग्जिस्टिंग वर्क और लिटरेचर रिव्यू. तो इनिशियली आपको जब भी आप जो है वो कोई भी प्रॉब्लम डिटरमिन करते हैं, तो आप उससे उससे रेलेवेंट एग्जिस्टिंग वर्क जो है वो स्टडी करते हैं कि लोगों ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन जो है वो प्रपोज किए या सजेस्ट किए, और आपको जो है वो न्यू आइडियाज डेवलप हो जाते हैं कि अगर लोगों ने इसको इस मेथड से सॉल्व किया है, तो मैं किसी डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू इसको जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड इंगेज को ऑथर्स. और डेफिनेटली आप रिसर्च आर्टिकल जब लिखते हैं, तो उसमें आपके साथ मोर देन जो है वो, फॉर एग्जाम्पल, आपके अलावा कुछ ऑथर्स होते हैं, को ऑथर्स होते हैं, तो आप बेसिकली पीसीज में वर्क को डिवाइड करते हैं और हर एक को इंगेज करते हैं, से किसी को ड्राफ्टिंग को, किसी को जो है वो सिमुलेशन परफॉर्म करने में, किसी को पिक्चर ड्रॉ करने में, और किसी को जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, एनालिसिस परफॉर्म करने में, आप जो है वो बेसिकली वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या को ऑथर्स को आप इंगेज जो है वो कर सकते हैं. ये सारी चीजें होने के बाद आप बेसिकली जब वो टारगेट करते हैं रीडर्स को, बेसिकली कि आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका रीडर जो है, उसके रीडर कौन सी कम्युनिटी जो है वो होगी. फिर उसके बाद आप इंश्योर करते हैं वैलिडिटी. जी अक्सा, वैलिडिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है? पता नहीं सर. नहीं पता जी. एनीवन सर, इसकी जो जी आमना साहब आप बता दो सर, जो ऑथर्स ने मतलब काम किया हुआ है, क्या वो जो क्लेम कर रहा है वो ठीक है, इस चीज को इंश्योर करता है. अच्छा, अब और उसके जी देखिए, आपने क्योंकि अभी आप किसी और का पेपर नहीं जज कर रहे, आप अपना पेपर जज कर रहे, अपना पेपर जज कर रहे, तो आप अपने रिजल्ट को कैसे जो है वो वैलिडेट करते हैं? सर इसी तरह ना, कि जो मैं काम कर रही हूँ, क्या वो पहले तो वो रिलेट कर रहा है लिटरेचर के साथ, के जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसके साथ रिलेट कर रहा है, और मैं क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सही से पिक कर रही हूँ और उस प्रॉब्लम को आगे लेके जा रही है, ये तो नहीं कि मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, ये सारी चीजें जो है अंडर वैलिडेशन आ जाएंगी. जी देखिए, एक्चुअली जब आप कंट्रीब्यूशन यानी कि अपने कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन क्लेम करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप करते हैं, और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं, तो आप मेक श्योर करते हैं कि जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं वो ट्रू हैं, ट्रू पिक्चर है, और वो कोरिलेट कर रहे हैं एक्चुअली जो आप बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपनी क्लेम कर रहे हैं. इन बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप मेक श्योर करते हैं कि आपके रिजल्ट जो है वो ठीक है.
मीन उसके अंदर आपने कोई जो है वो उसको मैनिपुलेशन आपने जो है वो नहीं की हुई, तो ये बेसिकली आपने इंश्योर करना होता है। डेफिनेटली जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, जब वो कोई उसको रिव्यूअर रिव्यू करते हैं, तो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस रिलेवेंट, वो आपसे पूछता है और आपके रिजल्ट्स को या आपके क्वालिटी ऑफ पेपर को वो इम्प्रूव कराता है। लेकिन उससे पहले आप पूरी कोशिश अपनी करते हैं कि आप जो है वो वैलिडिटी को इंश्योर जो है वो करते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट सर, इसमें ये भी आ जाता है ना कि जो हमारे पास एम या टारगेट होता है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी डेफिनेटली, मीन कि जो आपने कंट्रीब्यूशन या जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, क्या वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है आपका मेथड या कि आपकी टेक्निक नहीं कर रही उसको। तो डेफिनेटली जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके आउटकम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ वैलिड योर टेक्निक इज। या लेकिन समटाइम ये भी हो जाता है कि आप जो रिजल्ट जो है वो क्लेम कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस आप शो कर रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एस्टेब्लिश करने के लिए या एक्वायर करने के लिए आपने मेथडोलॉजी प्रॉपर ना यूज की हो, तो ये काफी इसके अंदर चीजें जो है वो आ जाती है। सर एक्चुअली जो वैलिडिटी को इंश्योर करेंगे वो तो हमारे सुपरवाइजर ही करेंगे ना। जी वेरी गुड, बेटर बता सकते हैं। जी जी वेरी गुड, वही बेटर बता सकते हैं क्योंकि हमारी तो कंट्रीब्यूशन है, हम तो लिख रहे हैं, वो तो एक्चुअली वही बताएंगे कि आप वैलिड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। जी एक्चुअली जब आप वैलिडिटी को इंश्योर करना है तो उसमें आपके सुपरवाइजर, आपके सीनियर या को सुपरवाइजर जो उसके अंदर को ऑथर्स हैं, या आप ये अंदाजा लगा लेते हैं एग्जिस्टिंग वर्क को आप देखकर कि उन्होंने जो है वो अपने काम को कैसे वैलिडेट किया है, तो उससे भी आपको वैलिडिटी इंश्योर करने के लिए काफी जो है वो हेल्प मिल जाती है। हेल्प मिल जी। कौन पढ़ रहे थे? अक्सर साहब, नेक्स्ट पॉइंट। इंश्योर क्वालिटी जी, नेक्स्ट आपने जो है वो जो अपना रिसर्च वर्क है उसकी क्वालिटी को आपने जो है वो इंश्योर करना होता है। अच्छा अभी शायद सेशन हमारा